लाडले भाई का जन्मदिन। एक दिन दरबार में जश्न का माहौल था और उसका कारण था महारानी के लाडले भाई शमशेर सिंह सिंघम का जन्मदिन। जन्मदिन की बधाइयाँ, जन्मदिन की बधाइयाँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो मेरे लाडले भाई, तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? शुक्रिया दीदी, आप तो जानती हो मेरी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश है, इस राज्य का सलाहकार बनना। ओ नहीं, फिर से वही बात। फिर महारानी ने बादशाह की ओर देखा और बोली, सुना आपने, मेरे लाडले भाई की इच्छा पूरी करोगे ना? हाँ सुना, तुम अपने भाई से लाडला भाई। हाँ वही, तुम अपने लाडले भाई से कहो कि चाहे मेरी गद्दी मांग लो, पर हम उसे इस राज्य का सलाहकार नहीं बना सकते। इस स्थान के लिए बीरबल से ज्यादा उचित कोई नहीं था, है और रहेगा। अपने प्रति इतना आदर देख बीरबल की तो जैसे आंखें भर आई। मैं जानती हूँ बीरबल आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारा है। नहीं नहीं, इतना भी नहीं हूँ। पर एक बादशाह के लिए अपनी जुबान से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, आप ये बात तो जानते ही हैं। जुबान? कैसे जुबान? ओ हो, भूल गए, आप इस बार भी हमारा जन्मदिन भूल कैसे गए? पिछली बार आपने कहा था कि ये दोबारा नहीं होगा। वो दरअसल हम बीरबल के बेटे मोती के मुंडन में चले गए थे, तो ये बीरबल तो जैसी मेरी सौतन बन गया है, उसके आगे तो आपको कुछ दिखता ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा परिवार, उससे ज्यादा मेरा राज्य, और उससे भी ज्यादा मेरा दिया हुआ वादा। मैंने बीरबल को वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा, तो मैं चला गया। और शादी के वक्त मुझे दिए गए वादों का क्या? मैं समझ गई जी, ये बस बातें हैं, बातों का क्या? नहीं, मेरा वादा मेरा उसूल है, मांगो क्या मांगती हो, चांद तारे या फिर ये दुनिया, हम वादा करते हैं कि जो मांगोगी वो देंगे। तो बस वक्त आ गया है कि अब आप अपने दिए वादे से ना मुकरे और मेरे लाडले भाई को इस राज्य का सलाहकार बना दे। ये सुन तो बादशाह के पसीने छूट गए। आखिर सारे दरबार के सामने वो अपनी जुबान से कैसे पलट सकते हैं? वहाँ खड़े बीरबल उनकी दुविधा समझ गए। फिर उन्होंने उनके कान में कुछ खुसफुसाया, जिसे सुन बादशाह को जरा राहत महसूस हुई और बीरबल सभी को नमन कर वहाँ से चले गए। देखो, बीरबल का मन कितना बड़ा है, उसने अपने पदवी से इस्तीफा दे दिया है और शमशेर को नियुक्त करने की सलाह दी है। ये सुन तो जैसे दोनों भाई बहन खुशी से फूले ना समा पाए। अरे वाह, ये तो मेरा सबसे अच्छा तोहफा हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी और जीजा जी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, क्या सचमुच मेरा लाडला भाई इस राज्य का सलाहकार बन गया? पर हम यूं ही किसी को इतने बहुमूल्य पद पर नहीं बिठा सकते, इसके लिए शमशेर सिंह को अपने आप को साबित करना होगा। आप बस कार्य बताएं जीजा जी, मैं उसे एक चुटकी में सुलझा दूंगा। तो ध्यान से सुनो, कल सूरज ढलने से पहले तुम्हें हमारे दो कार्य करने होंगे। पहला, तुम्हें चुंगीलाल मिठाई वाले के पास जाकर 50,000 रुपयों का आयकर वसूलना होगा, वो पैसे इस राज्य के भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बस इतनी सी बात? और दूसरा काम? दूसरा काम ये, तुम्हें 4 चीजें लानी होंगी, स्वाद, जीवनदाता, वफादारी और गद्दारी। ये सुन तो वहाँ खड़े लोग अपना सिर खुजाने लगे, आखिर इन चीजों को लाया कैसे जाए? परंतु अपने मुंह में चूर शमशेर पूरे विश्वास से बोले, बस इतनी सी बात, समझो काम हो गया। अगली सुबह
शमशेर मिठाई वाले के पास आयकर लेने पहुँचे। चुंगीलाल, मैं हूँ इस राज्य का नया सलाहकार राजकुमार शमशेर। अब से बादशाह के लिए आयकर मैं लेने आऊँगा। ये सुन तो चुंगीलाल बहुत खुश हो गया और मन ही मन बोला, अरे वाह, ये का मतलब बीरबल नहीं होगा तो हम आसानी से करके चोरी कर सकता हूँ। क्या सोच रहे हो, जल्दी से पैसे दे दो। अब क्या बताएं राजकुमार शमशेर वाह, अरे इस बार धंधा इतना मंदा है कि कुछ कमाई हो ही नहीं है। चाहिए तो आप खुद हिसाब किताब देख लो। वो सब मैं नहीं जानता, पूरे 50,000 दे दो बस। अरे देखो भाई, अगर कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो बहुत भला होगा आपका। है? मेरा भला कैसे होगा? वो कहा है कि क्यों ना हम कोई बीच का रास्ता निकाले। देखो 50 की जगह अगर आप 25 में मान जाए तो उसमें से 5 आप रख लेना, और बादशाह को ही बताई दो कि तनिक हिसाब खुद देखे हो, बहुत नुकसान हुआ है बिचारे चुंगीलाल का। ये सुन तो शमशेर सिंह के आंखों में लालच आ गया और उन्होंने तुरंत इस चीज के लिए हाँ कह दिया। शमशेर सिंह सिंघम वहाँ से निकले और तुरंत एक दुकान पर पहुँच कर कहा, अरे सुनो, एक स्वाद देना, एक जीवन दाता देना, एक वफादार देना और एक गद्दार बांधकर महल में भेज दो। ये सुन तो दुकानदार के तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे ये क्या कह रहे हो, कहीं पगला वगला तो नहीं गए? तो क्या ये चीज बाजार में नहीं मिलती? हमार जानकारी में तो ना ही। ये सुन शमशेर के तो पसीने छूट गए और वो रोने लगा। दीदी जल्दी सोचो, दीदी जल्दी सोचो, स्वाद, जीवन दाता, वफादार और गद्दार कहाँ मिलेगा? अरे सोच तो रही हूँ कब से, तुम भी जरा अपनी खोपड़ी चलाओ। फिर क्या, वो दोनों गहरी सोच में पड़ गए। सोचते सोचते दिन ढलने आ गया और डूबते सूरज को देख शमशेर और चिंतित हो गया। दीदी सूरज ढलने वाला है, दीदी अब क्या होगा, मेरी नौकरी तो गई समझो। अब तो बस एक ही इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन दीदी? तो ये बात है, मैं तुम्हें उत्तर तो दे दूंगा, पर जैसे कि तुम जानते हो मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं है, तो मैं अब से सलाह देने के पैसे लूंगा। आखिर घर भी तो चलाना है। कितने पैसे? 1 उत्तर के 12,500। तुम्हें 4 चीजें जाननी है तो हुए पूरे 50,000। क्या, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो फिर माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। शमशेर सिंह वहाँ से निराश होकर जाने ही वाला था, तभी उसे चुंगीलाल से वसूले पैसों की याद आ गई। अरे हाँ, क्यों ना मैं कर के पैसों का इस्तेमाल कर लूँ, बाद में दीदी से लेकर दे दूंगा। ठीक है बीरबल, पर मेरे पास इस वक्त बस 25 ही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 2 चीजों का उत्तर बता देता हूँ और बाकी के 2 चीजें मैं खुद दरबार में आकर बादशाह को बता दूंगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि तुम भी मेरे बराबर होशियार हो। ये सुन तो शमशेर बेहद खुश हो गया और बीरबल ने बादशाह के 2 पहेलियों का उत्तर उसे बताया। तो बताओ शमशेर सिंह, क्या तुम स्वाद, जीवनदाता, वफादार और गद्दारी ले आए? 4 तो नहीं, पर 2 चीजों का उत्तर मिल गया है। फिर शमशेर ने अपनी पोटली से एक नमक की डिब्बी निकाली। यह है नमक, जिसके पड़ते ही हर भोजन में आ जाता है स्वाद। ये सुन तो वहाँ लोग चौंक गए, किसी की नजर ना लगे मेरे लाडले भाई को। और फिर शमशेर सिंह ने ताली बजाई, जिसके बाद वहाँ एक सेवक ग्लास में पानी ले आया। और यह है पानी, या फिर कहे जीवन दाता। वो कैसे? कहा जाता है इस जगत में जीवन की शुरुआत पानी में ही हुई थी, और आज भी हमें जीवित रहने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, तो हुआ ना पानी जीवन दाता। ये सुन तो वहाँ लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बहुत खूब, पर बात 4 चीजों की हुई थी, उसका क्या? वो दरअसल और तभी वहाँ पधारे बीरबल और उनके साथ था उनका प्यारा मोती।
बीरबल तुम और मोती भी आया है। अले ले 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 ले, मोती मोती। हाँ महाराज, वो दरअसल मैं राजकुमार के बाकी के दो रहस्यों का उजागर करने आया हूँ, जो है वफादार और गद्दार। कहो क्या है इसका उत्तर। वफादार तो काफी आसान है, जैसे कि ये मोती। दुनिया में एक कुत्ते से ज्यादा वफादार जीव कोई नहीं। बहुत खूब। और गद्दार कौन है। वैसे तो दुनिया में गद्दारों की कमी नहीं, पर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। क्या मतलब। मेरा मतलब है, इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वो है महारानी का लाडला भाई शमशेर सिंह सिंघम। ये सुन तो वहाँ लोगों के पाँव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। ये क्या बकवास कर रहे हो बीरबल, जानते हो तुम किसकी बात कर रहे हो। माफ करना महारानी साहिबा, पर आप अपने भाई से जरा ये तो पूछिए कि उन्होंने चुंगीलाल से क्या सौदा किया है। क्यों राजकुमार, आप बताओगे कि चुंगीलाल को ही बुलाऊं। जो कुछ है साफ साफ कहो। महाराज, राजकुमार ने चुंगीलाल से जितना कर बनता था उतना ना लेते हुए उससे सौदा करके कम पैसे लिए, और तो और उन पैसों को राज्य के भलाई के लिए इस्तेमाल करने की जगह अपने निजी कार्य के लिए इस्तेमाल किया। ये रहे वो पैसे। ये सुन तो शमशेर चुप रहे, पर महाराज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। देखा महारानी, हमने ये कार्य इसे इसी वजह से दिया था कि इसकी बुद्धिमत्ता के साथ ईमानदारी की भी परीक्षा ली जाए। देख लिया अब तुमने क्या गुल खिलाए है तुम्हारे लाडले भाई ने। इसके बाद तो महारानी का सिर भी शर्म से नीचे झुक गया। मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने फिर चुंगीलाल के साथ साथ शमशेर सिंह को भी सजा के तौर पर पूरे राज्य में सफाई करने का कार्य सौंपा। क्या से क्या हो गया सलाहकार बनने के प्यार में दीदी। और हमने ये सीखा कि सही पद पर सही इंसान का होना आवश्यक है।